अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएस कांग्रेस को पहली बार संबोधित करते हुए भारतीय इंजीनियर की हत्या और यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हमले की निंदा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम असंभव सपनों को पूरा करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका में लोगों का नवीनीकरण हो गया है। अमेरिका अपने नागरिकों को ही प्राथमिकता देगा, तभी फिर से इसे महान बनाया जा सकता है। इमिग्रेशन लॉ को सशक्त बनाकर हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही दक्षिणी सीमा पर बड़ी दीवार बनाने का काम शुरू कर देंगे। हम अपने नागरिकों को कट्टरवादी इस्लामिक आतंकवाद से बचाने के लिए भी जरूरी कदम उठा रहे हैं। आईएसआईएस मुस्लिमों ईसाइयों को भी मारता है, हम इसे दुनिया भर के मुस्लिम सहयोगियों की मदद लेकर खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नई पाइपलाइन परियोजनाओं में अमेरिकी स्टील का इस्तेमाल होगा। हमने नौकरियां खत्म करने वाले ट्रांस पैसिफिक समझौते को वापस लिया। देश की सुरक्षा के लिए जल्द नए कदम उठाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हमने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। हम विदेशी कंपनियों को अमेरिका का फायदा नहीं उठाने देंगे, हमारे लिए सबसे पहले अपने नागरिक हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा को आब्द बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम महाराजगंज देवरिया में विजय संघनाथ रैली करेंगे। पीएम दोपहर 1 बजे महाराजगंज और दोपहर 3 बजे देवरिया में गरजेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कुशीनगर में 2 रैलियां करेंगे। दोपहर 1:30 पर तमकुहीराज विधानसभा में राहुल की रैली होगी और 3 बजे पडरौना नगर में राहुल की जनसभा होगी। मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इम्फाल में रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इबोबी सिंह ने सोनिया और राहुल गांधी को अधूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने बुला लिया, जबकि सारा फंड भ्रष्टाचार खा गया। रामजस विवाद पर बोली गुरमेहर, कहा मुझे अकेला छोड़ दे, अब मैं नहीं दूंगी कोई बयान। गुरमेहर के बयान से बढ़ा था विवाद। गुरमेहर ने कहा था कि मेरे शहीद पिता को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि जंग ने मारा था। गुरमेहर के दादा कवलजीत सिंह ने कहा कि यह ड्रामा किया जा रहा है, इसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए। नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, वो बस एक युवा लड़की है जिसने करगिल युद्ध में अपने पिता को खो दिया। रामजस विवाद में जावेद अख्तर को फोगाट सिस्टर ने दिया जवाब। बोली, किताबों से नहीं आती देशभक्ति। जावेद ने लिखा था कि कम पढ़ा लिखा खिलाड़ी या पहलवान एक शहीद की बेटी को ट्रोल करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या दिक्कत है। किरण रिजिजू ने कहा कि गुरमेहर कौर युवा है, उन पर विवाद करना उचित नहीं, ये तो उन वामपंथियों के लिए है जो हमारे जवानों की शहीदी पर जश्न मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, गुरमेहर कौर शहीद की बेटी है, इसका सम्मान करते हैं, लेकिन लोग इस मसले का राजनीतिकरण करने में तुले हुए हैं। बोलने की आजादी की आड़ में भारत को तोड़ने की बात करने पर जवाब दिया जाएगा। मंगलवार को एआईएडीएमके के सांसदों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जयललिता के निधन को लेकर एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच भारी संदेह है, जिसको लेकर हमने राष्ट्रपति से मामले की जांच कराने की मांग की है। दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने देश के पहले इंटीग्रेटेड हेलीपोर्ट का शुभारंभ किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हेलीपोर्ट पर एक साथ 16 हेलीकॉप्टर्स के उड़ान भरने, उतरने और पार्किंग का इंतजाम है। मध्य प्रदेश के दामों में एक युवक को एटीएम से बिना सीरियल नंबर के नोट मिले। बताया जा रहा है कि सारे नोट एसबीआई के एटीएम से निकाले गए हैं। खालियात वापस लौटी गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार करने गई पुलिस। गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें अमेठी रवाना। गायत्री पर यौन शोषण का है आरोप। सीओर्स यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। पूछा, जांच कर रहे अधिकारी को जांच पूरी होने से पहले क्यों हटाया गया। 5-6 दिनों में केस की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश। कब्रिस्तानों और शमशान को लेकर छिड़ी जंग में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिया बड़ा बयान। कहा, कब्रिस्तान से जगह की बर्बादी मुस्लिम भी करें दाह।
अगर कब्रिस्तान सारे हिंदुस्तान में बनता रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, खेती के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए किसी कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह सबका क्रियाकर्म होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। वाराणसी में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का संयुक्त रोड शो 4 मार्च को होगा। 2 बार स्थगित होने के बाद अब 4 मार्च का दिन तय किया गया है। छठे चरण से पहले सीएम अखिलेश यादव का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। देवरिया में आज सीएम अखिलेश यादव 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे रामपुर कारखाना विधानसभा में पहली रैली होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज सोनभद्र में रैली करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनता का समर्थन मांगेंगे। मऊ में चुनावी जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथी के बारे में तो आपको पता है, बबुआ भी आजकल हाथी का प्रचार ज्यादा करता है और साइकिल का कम। आप लोग तो हाथी का प्रचार करते ही हैं, लेकिन आजकल तो हमारा जो विरोधी पार्टी है वो भी इसका बहुत प्रचार करता है। सपा का जो मुखिया है बबुआ है, वो अपनी साइकिल का प्रचार कम करता है, लेकिन हाथी का प्रचार कि फत्तर के हाथी लगे हैं तो वो फ्री में ही हाथी का प्रचार करता रहता है। मऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि रेल में पीएम झूठ बोलते हैं कि लोगों को बैठने की जगह नहीं, वहां भाड़े की भीड़ आती है। प्रधानमंत्री अपने आप को गोद लिया हुआ बेटा बताकर नाटकबाजी कर रहे हैं। बल्कि पूरे आजमगढ़ मंडल के कोने कोने से हर विधानसभा से लोगों को इकट्ठा किया गया था और जिनको वो लाए वो भी ज्यादातर भाड़े की ही भीड़ थी और मुश्किल से 20-25 हजार लोग इकट्ठा हुए और उसको भी वो क्या कह रहे थे कि मैदान छोटा पड़ गया है। तो कोई चुनाव में मायावती ने कहा कि बीजेपी यूपी की जनता को बरगला रही है, बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी है, बीजेपी की सरकार बनते ही वो आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने ऐलान किया कि भूमिहीनों को पट्टे आवंटित किए जाएंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज सोनभद्र के ओबरा विधानसभा के ककने स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहेंगे। सपा महासचिव आजम खान ने छठे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आजम खान 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें पहली सैयद राजा विधानसभा में होगी तो दूसरी मुगलसराय विधानसभा में होगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन और भोजपुरी स्टार रवि किशन सुबह 11 बजे तमकोहीराज विधानसभा में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन और भोजपुरी स्टार रवि किशन बीजेपी प्रत्याशी जगदीश मिश्र के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य आज मुगलसराय विधानसभा के बबुरी में जनसभा करेंगे, जहां वो सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और बीजेपी के लिए समर्थन मांगेंगे। गाजीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया और सीएम अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम वाराणसी में 24 घंटे बिजली देने की गप मार रहे हैं, आमजन को यह सुविधा नहीं मिल रही, इसलिए मुख्यमंत्री को गप्पू मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। वाराणसी में केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस को सांपनाथ नागनाथ और कालियानाथ बताया और कहा कि जब तक पूर्वांचल के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश नहीं आएगा तब तक पूर्वांचल का विकास नहीं हो पाएगा। गाजियाबाद में 10 साल की मियाद पूरी कर चुकी 50 से ज्यादा डीजल बसों के संचालन पर रोक, सीएनजी किट न लग पाने के चलते आरटीओ ने संचालन पर रोक के दिया आदेश। मेरठ में दूल्हे को नशे की हालत में देख दुल्हन ने शादी से किया इनकार, दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के परिजनों को बनाया बंधक, वधु पक्ष ने परातियों को किया पुलिस के हवाले। मुरादाबाद में डीआरएम ऑफिस में सीबीआई ने मारा छापा, एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार, अन्य कर्मचारियों से भी की पूछताछ। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से एक तमंचा समेत कई कारतूस हुए बरामद। रामपुर में पूर्ति विभाग का काला कारनामा आया सामने, कालाबाजारी की जानकारी के बावजूद राशन के 128 कट्टों की जगह 84 कट्टे किए गए जब्त। बाराबंकी में अज्ञात ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
संतकबीर नगर में घर में इन्वर्टर बनाने के दौरान बिजली आने से एक शख्स समेत तीन लोग झुलसे, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बांदा पुलिस ने अस्पतालों से चल रहे देव व्यापारी का भंडाफोड़ किया, जिसमें 6 युवतियां, एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके पास से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई। कौशाम्बी जिले में पेड़ से लटकता प्रेमी युगल का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ में पति ने की नवविवाहिता पत्नी की हत्या, पति को पत्नी के चरित्र पर था शक। 23 फरवरी को हुई थी शादी, मामले की जांच में जुटे पुलिस। हमीरपुर जिले के कुचेजा गांव में एक मजदूर की पीट पीट कर हत्या, हत्या के बाद लाश को उसी के दरवाजे पर फेंक दिया गया। वहीं पुलिस अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। बरेली के थाना सुभाष नगर के अनुपम नगर में एक ही परिवार के 7 सदस्यों को जहर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप किराए पर रह रही महिला गौरी पर लगा है, आरोपी महिला फरार बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में मितौली के मेन रोड पर दो बाइक एजेंसियों का शटर तोड़कर बदमाश लाखों रुपए का माल लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर लुटेरों ने चौकीदार की हत्या कर दी। घटना मेकलगंज में लखीमपुर रोड पर हुई। बिजौर में दो शख्सों को महिला के बैग से जेवरात चोरी करना पड़ा महंगा, बेकाबू भीड़ ने दोनों चोरों की जमकर की पिटाई। मथुरा के बीएसए कॉलेज के जिम के लड़कों और पहलवानों में मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि जिम के लड़के दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हापुड़ में एक शख्स की पहली पत्नी के परिजनों ने घर में घुसकर उसकी दूसरी गर्भवती पत्नी और उसकी सास के साथ मारपीट कर दी। वहीं आनंद फानन में गर्भवती महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बागपत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद धड़ल्ले से हुई हर्ष फायरिंग में एक छात्र समेत 3 युवकों को लगी गोली, 3 युवकों को अस्पताल में इलाज जारी। बागपत कोतवाली के सिसाना गांव में घुड़चढ़ी के दौरान दबंगों ने दलितों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें 5 बराती गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। संभल में हथियारों से लैस दर्जन भर बदमाशों ने परिजनों को बंधक बनाकर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया और मामले का विरोध करने पर पीड़ित परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंदौली के चकिया में एक घर में होने से एक महिला की मौत हो गई। विस्फोट होने से घर में और एक बच्ची घायल हो गई। बताया जा रहा है कि विस्फोट गैस सिलेंडर फटने से हुआ था। घायल बच्चे का इलाज चल रहा है और पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। कासगंज कोतवाली क्षेत्र पालनगर जियाउद्दीन नगर में एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से एक ट्रैक्टर सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे लेखपाल ने अपनी जांच शुरू की। कौशाम्बी में एक पेट्रोल पंप के कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से बाहर खड़ी एक बाइक जलकर राख हो गई। आग बुझाने गया एक कर्मचारी भी झुलस गया। गलीमत यह रही कि आग पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मुरादाबाद में एक ब्रश बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कानपुर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। कानपुर में हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, घंटों तड़पता रहा युवक, नहीं आई पुलिस। वहीं एक युवक को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में पुलिस की लापरवाही आई सामने। सामने में तेज रफ्तार कार ने एक चाय की दुकान में टक्कर मार दी। हादसे में दुकान में मौजूद मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मेरठ के तेजगढ़ी इलाके में पीएनबी के एटीएम से 2000 का नकली नोट निकलने का मामला आया सामने। पीड़ित शिक्षक ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला बैंक के सर्किल ऑफिसर को जांच के लिए दिया गया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाने में गरीबों को मिलने वाला सस्ते गल्ले के गेहूं और चावलों की कालाबाजारी की जा रही है। एसडीएम के छापेमारी में भारी मात्रा में चावल पकड़ा गया। मौके से 4 पल्लेदार भी गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद में नशे में धुत शराबियों ने जमकर मचाया उत्पात। मौके पर पहुंची पुलिस से भी की हाथापाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। कानपुर में पानी के संकट ने दी दस्तक। गंगा में पानी के घटते जलस्तर की समस्या से परेशान है अधिकारी। समस्या से निपटने के लिए तलाशी जा रहे हैं विकल्प। 16 मार्च से शुरू होने वाली यूपी में इंटरमीडिएट
बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र आ गए हैं। 97 बोर्ड परीक्षा केंद्रों में से 93 केंद्रों के ही पेपर आए हैं। अभी तक बोर्ड से पूरी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं आई हैं और इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं आई हैं। फर्रुखाबाद में मुकबादीर और दूषित बच्चों के प्रशिक्षण शिविर में बद इंतजामी देखने को मिली। गंदगी के बीच बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। सर्दियों में बच्चों को फर्श पर ही सोना पड़ता है और साथ ही बच्चों की पढ़ाई अंधेरे ही में होती है। शामली के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से सफाई कराई जा रही है। बच्चों को स्कूल में खाना भी नहीं दिया जाता। परिजनों का आरोप है कि बच्चों के भविष्य से स्कूल में खिलवाड़ किया जा रहा है। हापुड़ में दवाई खिलाने पर 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चों के पेट में कीड़े मारने की दवाई खिलाई गई थी। देव पब्लिक स्कूल पसवाड़ा के बच्चों की तबीयत बिगड़ी। बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। संतकबीरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कुत्ते और बंदर की दोस्ती का नजारा देखने को मिला, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। मतदाता जागरूकता के लिए भदोही में हाफ मैराथन और 21 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला 20,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर बनाई। मंडलायुक्त रंजन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन का शुभारंभ किया। कानपुर में चौरसिया समाज ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जहां 52 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया और साथ ही जिसमें देश के कई राज्यों के नेताओं, अधिकारीकरण और वरिष्ठ समाज सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने किया। ये बिल्कुल जो हम लोगों के यहाँ जो समाज में जिस तरीके से शादी होती है, फेरे होते हैं, मंडप होता है, ये पूरा यहाँ पे इंतजाम है। तो दहेज के लिए उनको गृहस्थी का पूर्ण रूप से सामान दिया जाता है और उनके लिए सिलाई मशीन है वगैरह इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लो कोई दिक्कत हो तो अपने जीविका का उपार्जन कर सके। लखनऊ में भी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की है। बैंक कर्मचारियों ने नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की और ग्राहकों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। गाजियाबाद में बैंक हड़ताल सुधार कामगार विरोधी श्रम सुधारों के खिलाफ मतलब जो भी बैंक है। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने फिर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। पीसीसी चीफ ने कहा कि भाजपा एक बार फिर उत्तराखंड में संवैधानिक संकट खड़ा करने की तैयारी में है और इसके लिए चुनाव लड़े कई निर्दलियों और कांग्रेस में उनके सहयोगियों के भाजपा संपर्क में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने हरिद्वार में जनसभा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कांग्रेस की कवायद को नाटक करार दिया। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ही तो इसलिए परेशान है क्योंकि राहुल के खिलाफ मुकदमा हुआ तो पीएम के खिलाफ क्यों नहीं। कर्णप्रयाग विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और भाजपा नेता त्रिवेंद्र रावत सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव प्रचार अभियान के मद्देनजर मंथन किया गया। हल्द्वानी में 22 फरवरी को मजदूर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। आरोपी बरेली में पकड़ा गया। सितारगंज में धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम कराने का मामला आया सामने। शिकायतकर्ता के अनुसार राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा किया गया और जिसमें जमीन पर खड़े पॉपुलर के 1200 पेड़ भी काट दिए गए। पीड़ित महिला ने उपजिला अधिकारी के सामने इंसाफ की गुहार लगाई। विकासनगर में गर्भवती महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। अन्य स्टाफ और नर्सों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बागेश्वर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आरे ग्राम की वन रेंज में एक मरे हुए तेंदुए का बच्चा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने तेंदुए के मृत शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग कार्यालय भेजा। पिथौरागढ़ में बैंकों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। जिले के सभी हिस्सों में बैंक पूरी तरह बंद रहे। बैंक बंद होने से आम लोगों के साथ ही कारोबारियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर में स्वाइन फ्लू का एक मरीज सामने आने के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। 2016 में प्रदेश के भीतर 20 लोगों में पॉजिटिव पाया गया था स्वाइन फ्लू। बागेश्वर में बना पुल जर्जर हालत में है। कभी भी पुल टूटने से बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी इस पुल पर ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई है। प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।
उत्तरकाशी प्रशासन के पॉलीथीन पर पूरी तरह से रोक लगाने के बावजूद पॉलीथीन का इस्तेमाल जोर शोर से यहां चल रहा है, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया गया था, लेकिन वो अभियान धरातल पर धरे के धरे रह गए हैं। रुड़की में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई दिनों से सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसमें सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे वाहनों की आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में लगातार सरकारी शिक्षकों की शिकायत का मामला आने के बाद प्रशासन ने उन पर शिकंजा कसने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दरअसल स्कूलों से निर्धारित रहने या देर से स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के लिए स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा रही है। आगामी 11 मार्च को नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं के वोटों की मतगणना के लिए कार्मिकों और माइक्रो ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी गई। निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र के मुताबिक मतगणना के दिन प्रत्येक विधानसभा की 12 टेबल लगाई जाएंगी। दून बार एसोसिएशन में मतदान हुआ, जहां 2468 कुल अधिवक्ता मतदाता मतदान करने के लिए आए थे। साथ ही ऐसा पहली बार हुआ कि विभिन्न कारणों से 305 अधिवक्ताओं को मतदान से बाहर किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता कादर खान की तबीयत काफी खराब हो गई है, वो इलाज के लिए कनाडा गए हैं। 80 साल के कादर खान पिछले 3 सालों से बीमार हैं, वो पैर में दिक्कत की वजह से व्हीलचेयर पर हैं। फिल्म बद्रीनाथ के दुल्हनिया का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इस नए पोस्टर को धर्मा प्रोडक्शन ने शेयर किया है, जिस पर लिखा है कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए सिर्फ 10 दिन और बचे हैं। इस पोस्टर में आलिया वरुण की पीठ पर बैठी हैं और वरुण धवन स्कूटर पर नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन के घर के पास अचानक 3 गाड़ियों में आग लग गई। घटना के तुरंत बाद वहां एम्बुलेंस पहुंच गई और कारें एक स्कूल के गेट के पास पार्क की हुई थी, इसलिए वहां ज्यादा अफरा तफरी मच गई। जी टीवी के सीरियल जमाई राजा के बाद एक्ट्रेस निया शर्मा कई दिनों से छोटे पर्दे से दूर थी, लेकिन अब निया विक्रम भट्ट के प्रोडक्शन में बन रही वेब सीरीज ट्विस्टेड में नजर आने वाली हैं। इस वेब सीरीज में निया शर्मा के अपोजिट मॉडल एक्टर नमित खन्ना होंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने फिल्म फुकरे रिटर्न्स की शूटिंग पूरी कर ली है। उनका कहना है कि वो इस फिल्म में काम कर बेहद खुश हैं। ये फिल्म 2013 में आई फिल्म फुकरे का सीक्वल है। इसके निर्देशक मृगदीप सिंह लामा हैं। फिल्म में अभिनेत्री अली फजल, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह और पुलकित सम्राट मुख्य भूमिकाओं में है। डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार 3 का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि फिल्म की सारी अहम कास्ट नजर आ रही है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय लंबे वक्त के बाद एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर नजर आ सकते हैं। 7 साल बाद ये रियल लाइफ जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी। दोनों की आने वाली फिल्म का नाम होगा गुलाब जामुन। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं। फिल्म हिचकी में नजर आएंगी रानी। इसका निर्माण यशराज के बैनर तले किया जाएगा। इस फिल्म में कमल हासन की बेटी अक्षरा हसन और नसीरुद्दीन शाह के बेटे विमान शाह के साथ गुरमीत चौधरी नजर आएंगे। फिल्म में अक्षरा का किरदार एक मॉडर्न लड़की लालिका है, जबकि विमान ने एक छोटे शहर के लड़के लड्डू का रोल निभाया है। गुरमीत चौधरी इस फिल्म में राजकुमार की भूमिका निभा रहे हैं। ऑस्कर समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मूनलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। निर्देशक जेनकिंस की यह दूसरी फिल्म है। इस फिल्म ने 3 पुरस्कार जीते।